हेलो फ्रेंड्स, शिव शंभू कैसे हैं आप? और आज संडे है और आफ्टरनून हो रहा है, और अभी अमेज़ॉन से ऑर्डर आया है लक्ष्यवीर का, उसके डायपर। और मैंने कुछ आटे मंगाए थे, रागी का आटा, ज्वार का आटा, कैचअप, सूजी आइटम, कुछ आइटम आए थे ये। तो ये प्रमोद उसी के पेमेंट कर रहे हैं। और ये देखिए, अभी बाहर खेल रहा है, इसको अंदर नहीं आना। तो यस, और आज मेरी काम वाली जो मेड है वो नहीं आई है, रानी। तो आज काम सारा मैं ही करूँगी, झाड़ू पोछा ये सब। तो फटाफट मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, और क्योंकि लवी बाहर खेल रहा है तो जितना जल्दी हो जाएगा वो, क्योंकि फिर वो आके परेशान बहुत करता है। और यस, अभी जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं पोछा लगाऊंगी, और ये साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ। मैं जनरली झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करती हूँ, बट अभी रानी नहीं, रानी करती है मेरी आके। अभी वो नहीं है तो ये तो करना ही पड़ेगा, वो 5 दिन की छुट्टी पर गई हुई है। तो फटाफट मैं ये काम निपटा लेती हूँ। ग्रीन रैक को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, कितनी अच्छी लग रही है। और ये प्रमोद यहाँ आराम से बैठे हैं। अब मुझे जाना है किचन को सेट करने, मतलब किचन को साफ करने। और उससे पहले मैंने सोचा लवी को कुछ पिला देती हूँ, तो मैंने इसको लस्सी पिलाने के लिए बैठी हूँ। बट ये देखो, इसको लस्सी पिलाना या कुछ भी खिलाना पिलाना बहुत टफ है, ये जल्दी से आसानी से कुछ खाता पीता नहीं है। और ये प्रमोद आ गए यहाँ पे मेरी हेल्प कराने, कचरा उठा के रख रहे हैं। तो ये बर्तन साफ़ करेंगे और मैं सारा ये सामान किचन विचन सेट करूँगी। और मैं लवी को फिर से ट्राई कर रही हूँ लस्सी पिलाने के लिए। और ये देखो, ये यहाँ पे अपना ये शैतानी करता रहता है हमेशा, कोई कुछ ना कुछ कुछ ना। ये देखिए, ये कितने शैतानी करता है, ये बहुत शैतानी करता है। और ऐसे ही इसको मैं ट्राई करती हूँ, बट ऐसे ही रहता है इसका। ये देखो इसको तो भाई, तो अभी ये नहीं पी रहा है, तो मैंने सोचा मैं ही पी लेती हूँ, तो ये मैंने पी लिया है। अब मैं किचन में से सारा सामान, जो भी खाना पीना है वो निकाल के प्रमोद को सारे बर्तन दे दूँगी, और जो फेंकना है वो फेंक दूँगी। तो इससे क्या होगा कि प्रमोद सारे बर्तन धो देंगे और मैं तब तक लवी को नहला दूँगी, फिर मैं लंच बना दूँगी। ये पोहा मैं रख रही हूँ उठा के। तो बस ऐसे ही, थोड़ी तो हेल्प सबको करानी चाहिए घर में, संडे तो हमारा भी है अगर उनका है तो। अभी जल्दी जल्दी मैं किचन समेट के, मतलब गैस वैस चूल्हा वूल्हा सब साफ़ कर दूंगी अच्छे से, और फिर साफ़ करके फिर लवी को नहलाने जाऊंगी। तो यस, सारी क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से। अपने हाथ से काम करने का अलग ही मज़ा है वैसे, ये तो मैंने देखा है मेड के अलावा। और ये मेरी किचन हो गई है चकाचक साफ़, प्रमोद लगे पड़े हैं बर्तन में।
तो अब मैं जा रही हूँ लवी को नहलाने। मैंने गीजर ऑन कर दिया है, लवी को नहला देती हूँ फटाफट, और उसके कपड़े लेकर आ गई हूँ, अपने भी लेकर आ गई हूँ, साथ में मैं भी नहा लूँगी। और ये लवी, ये रहा मेरा छोटा नोनू, मेरा बच्चा है तू। तो अभी जल्दी से मैं इसको नहला देती हूँ। इसको नहाने का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है, बचपन से ही बहुत नहाता है, ये बहुत इन्जॉय करता है नहाना। तो अभी इसको फटाफट मैं नहला देती हूँ। मैं इसको बॉडी लोशन लगा रही हूँ, ये वही डाबर का जो मैंने बताया था मेरी एक वीडियो में, वही डाबर का लोशन लगाऊंगी। और इसको सेबामेड की मैं फेस पे क्रीम लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है। और अभी उसके बालों में थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। इसको नहाना बहुत पसंद है, इसे अब जल्दी से मैं रेडी कर देती हूँ, फिर लंच की तैयारी करेंगे। और ये देखें किचन में भी प्रमोद लगे हुए हैं बर्तन धोने में। तो तब तक मैं लवी के लिए तैयार कर रही हूँ। नहीं, पहले मैं इसका जो जो पार्सल आया था, जो आटा आया था बाजरे का आटा एंड ज्वार का आटा, रागी का आटा भी मंगाना है अभी, और सूजी एंड केचप, ये मैंने खोल लिया है। और अब मैं, लवी को लग रही है भूख और मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल में लगेगा टाइम, तो मैं तब तक जल्दी से लवी के लिए बना रही हूँ चीला, जिसमें मैंने सूजी ले ली है और उसमें मैंने डाला है दही 1 चम्मच एंड पानी डाल के उसको थोड़ा 10 मिनट के लिए थोड़ा फूल जाएगी अच्छे से सूजी। फिर मैं उसमें डालूँगी ये गाजर, टमाटर एंड चकुंदर और प्याज, ये सब मैं ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसको फटाफट चॉप कर रही हूँ, मतलब धो के वॉश करके अच्छे से। और गाजर और चकुंदर को तो मैं ग्रेट कर लूँगी और बाकी टमाटर और प्याज को छोटा छोटा काट के उसमें ऐड कर दूँगी। तो यस, ये लवी का ये जल्दी बन जाएगा, क्योंकि जब तक मैं चॉप करूँगी और तो उसमें सब्जी वब्जी डालूँगी तो 10 मिनट हो जाएंगे और वो सब्जी सूजी भी फूल जाएगी, क्योंकि कड़ी चावल में बहुत टाइम लगता है। और लक्ष्यवीर बोल रहा है उसे भूख लग रही है, मतलब नन 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 करता है जब उसे भूख लगती है। अभी प्रॉपर वो बोलता नहीं है, पर मुझे अपने इशारों में समझा देता है कि उसको भूख लग रही है। तो जल्दी जल्दी से मैं चॉप करके अब उसके लिए ये चीला बना रही हूँ। बहुत जल्दी बनता है और हेल्दी भी काफ़ी है, क्योंकि इसमें बीट रूट होता है, गाजर होता है, प्याज होती है, टमाटर होता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। इस तरह से हम बच्चों को वेजिटेबल्स भी खिला देते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी मैं इसका चीला रेडी कर देती हूँ। और साथ में देखो लवी भी बैठ गया है मेरे साथ। इसके साथ यही है कि इसको भी कुकिंग करनी है, जो देखता है आजकल कॉपी कर रहा है ये, क्योंकि इसको भी सब इसका लर्निंग चल रहा है, लर्निंग फेज है, जो भी देखता है वो कॉपी करता है। मेरा बैटर हो गया है रेडी, अभी मैं फटाफट से चीले के चीला बनाऊँगी। थोड़ा पानी मैंने और ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है तो। मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और सेंधा नमक, बस वही डाला है
और मैं इसको देसी घी में बनाऊंगी, बच्चों को देसी घी देना चाहिए, और मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ लक्ष्यवीर के लिए। और नॉनस्टिक पैन ही लेना, क्योंकि आयरन वाले तवे पे बहुत एक्सपर्ट जो कुक होते हैं बस वही बना पाते हैं। मेरी सिस्टर बना लेती है बट मैं नहीं बना पाती हूँ, मेरे लोहे वाले तवे पे चिपक जाता है चीला, तो मैं नॉनस्टिक पे ही बनाती हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हो तो बना सकते हो। ये मैं थोड़ा डांस कर रही हूँ क्योंकि पीछे चल रहे हैं गाने, तो मस्ती कर करके मैं कुकिंग कर रही हूँ। थोड़ा इन्जॉयमेंट होना चाहिए ना लाइफ में। अभी जल्दी से मैंने घी डाल दिया है, अब मैं इसमें आधा आधा बैटर डालूंगी। यस, और ये आधा बैटर डाल दिया और इसको ढक दिया। उसकी फ्लेम मैंने बहुत कम फ्लेम पे बनाती हूँ ताकि अच्छे से सिक जाए। अब मैं रेडी होकर आ गई हूँ, तब तक ये मैं रोक छोड़ कर आ गई थी, इसको मतलब रख के आ गई थी। तब तक मैं नहाकर मैं डायरेक्ट आ गई थी, और अभी बहुत भूख भूख चिल्ला रहा था ना, तो मैंने कुछ लोशन क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाई थी, तो मैं अभी ये बिंदी लिपस्टिक लगा कर आ गई हूँ आराम से। मैं जनरली रेडी नहीं होती हूँ पर कभी कभी तो तैयार हो जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक पैकेट छाछ ले लिया है, और उसमें अंदाजे से मैंने बेसन डाल दिया है, मतलब 1 कप बेसन होगा। तो ये लवी का चीला भी रेडी हो गया है। अब इस चीले को मैं क्या है, छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी, इसके गर्म है काफ़ी, और मैं दूसरा चीला अभी डाल देती हूँ उस पर। अब लवी को अब बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो पीछे खड़ा है मेरे, मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। और यस, ये देखो खड़ा आ गया है साइड में, अब उसको मैं दे दूंगी ये। उसको बहुत भूख लग रही है, वो जल्दी से खाना मांगता नहीं है। ये देखो ये देखो, उसने नाश्ता भी नहीं किया था तो इसलिए शायद उसे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ अपने कढ़ी की। तो मैं कढ़ी में अभी बेसन डाल दिया, अभी मैं सारे मसाले डाल दूंगी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर एंड नमक, ये सब मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं राई रई रई बोलते हैं, हाँ, इससे मिक्स कर लूँगी मैं। हमारे में रई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये देखो मैं इसको अच्छे से बेल रही हूँ, इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, बेसन अच्छे से घुल जाना चाहिए। और यस, अब इसको मिक्स, इसके कुछ कुछ गांठें हैं वो मैं इसको वो कर रही हूँ। और मैं थोड़ा घी डाल दिया मैंने लवी के उसमें चीले पे, साथ के साथ पैरेलली दो काम हो रहे हैं। साथ में मैंने निकाल लिया है पालक, मैं पालक वाली कढ़ी बना रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, पालक को, मेरा पालक साफ़ है, मैं साफ़ करके पॉलीथीन में बांध के रख लेती हूँ तो काफ़ी दिन तक चलता है, मेरा तो यही हिसाब है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी, और ये देखो हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है, और ये मैंने धो लिया है। और ये है मेरा लहसुन, राई, जीरा एंड मेथी दाना और थोड़ी सी हींग। अब ये प्रमोद आ गए हैं, मैंने प्रमोद को बोला इसको, ये जो फूड प्रोसेसर है इसमें चॉप करने के लिए पालक को, तो वो अब फटाफट इसको चॉप कर देंगे। अच्छे से मैंने इसको धो लिया है पालक को, अब ये चॉपिंग 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 चली। इसमें बहुत जल्दी से और आसानी से काम हो जाते हैं। और इस बार विंटर में तो हमने गाजर का हलवा इतना बनाया है, क्योंकि हमें बस गाजर घिसने में बहुत आलस आता था, लेकिन प्रमोद ने इस बार खूब अच्छे से गाजर घिसी है और खूब 3-4 बार गाजर का हलवा बना लिया है। हमने मेरे व्लॉग में देखना, मैंने उसमें गाजर का हलवा बनाया हुआ है, मतलब मैंने नहीं, सॉरी, प्रमोद बनाते हैं गाजर का हलवा। तो और ये प्रमोद इसमें पालक चॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। अगर आप ये थोड़े पालक वालक काटने वाटने में बहुत टाइम लगता है ना। अब मैं कढ़ी में अपना तड़का लगा रही हूँ, तो लोहे की कढ़ाई लिया मैंने, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। मेरी जो कढ़ी है ऑलमोस्ट बन गई है, बस तड़का रहता है। अब उसमें मैं ये सारा जो भी है, लहसुन और ये मेथी दाना, जीरा, राई और हींग, हींग अभी डाल दिया मैंने, इस सबको तड़का लगा के इसमें थोड़ी कढ़ी ऐड कर दी है। अब इसी को मैं उल्टा वापस कढ़ी में डाल दूंगी जो ये तड़का है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कढ़ी नहीं बनाते हैं, पर तड़का ही लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कढ़ी को बनाते नहीं है ऐसा, मतलब मेरी मम्मी मना करती है कि लोहे की कढ़ाई में कढ़ी नहीं बनाते। अब मैंने सोचा 1 गिलास चावल बना लेती हूँ, तो सोचा क्या है, सॉरी, बनाने ही है, कढ़ी चावल तो रेसिपी में थे ही आज के लंच में, तो चावल चढ़ा दिए मैंने, कढ़ी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम लोग खाने के लिए है रेडी। तो अभी हमारे चावल बन गए हैं, हमने किचन साफ कर दी है। ये देखिए थोड़े से बर्तन अभी हैं धोने के लिए, इतने ये प्रमोद ने धो दिए। अब हम करेंगे लंच, और ये लवी को अंदर घर में नहीं आना है, इसको बाहर ही रहना है। ये हमारी सोसाइटी में गोलगप्पे वाला आया है, सब गोलगप्पे खा रहे हैं, हम खा चुके हैं।
लवी लवी ने पापड़ी, ये पापड़ी के टुकड़े डाले हुए। लवी ऐसा क्यों खाया तूने, क्यों खाया ऐसे? गोलगप्पे खाने, टिक्की खानी है, क्या खाएगा, क्या खाएगा बेटू? चलो हम खाना खाएंगे, लंच करेंगे लंच। चावल हो गए रेडी। अरे क्या है, निकल गई सीटी। ये देखिए कितने अच्छे चावल हैं, एकदम व्हाइट कलर आया है। व्हाइट कलर, वाह क्या बता रहे हो। चलो अब खाना डाल लेते हैं, खा लेते हैं ना। yes. बताना आप कैसे बनाए, आप टेस्ट करोगे, मैं करूंगी, आप करना। नहीं नहीं आप करना, बनाया तो मैंने है ना। चलो खाना डालते हैं, है ना। तो देखिए गाइस ये चावल डाल रही है, डाल रही है। और जो चावल है आज हम रोटी नहीं बनाएंगे, चावल का वो है। सारा बोल रही थी काफी दिन से चावल नहीं खाए आपने, कड़ी चावल खाओ आज। मैंने कहा ठीक है, कभी कभी कड़ी चावल खाने जाएंगे। रोटी तो मैं डेली खाता हूँ, सुबह रोटी बना के बनती है और सुबह भी खाता हूँ, शाम को खाता हूँ। ये देख कड़ी बिल्कुल एकदम येलो कलर आया है, कड़ी का येलो कलर ही होता है। और इसमें जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये हमारा वो है पालक। तो देखिए कितनी अच्छी कड़ी है, देखने में इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी टेस्ट लगी। हम तीनों का हमने एक साथ डाल लिया खाना, हम तीनों का मतलब मैं सारा और लवी। ये ना सोचे कि हम, मैं अकेला इतना खाऊंगी। नहीं आप खाना चाहो खा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना खा सकते हैं। चलो अब हम हो गए रेडी फॉर लंच। चलो बम्बू जल्दी टेस्ट करके बताओ यार, अब भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, पौने तीन हो गए हैं। लवी आ जा बेटा, लक्ष्यवीर ये लड़का ना माने। चलो मैं हाथ से खाऊंगी, मेरे लिए चम्मच क्यों लाए। चलो चलो लवी के लिए, अरे पहले ऐसे टेस्ट करके देखो ना, मिलाओ मत ना। तो देखिए गाइस ये गरम है तो मैं थोड़ा सा ही ले रहा हूं, क्योंकि क्योंकि इनसे गरम नहीं खाया जाता। आओ आओ बेटू आओ, जल्दी आओ। वाह क्या बहुत टेस्टी है, और पालक का फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नाइस, पालक से हमें आयरन मिलेगा, कड़ी हम और ले लेंगे अभी, हीमोग्लोबिन मिलेगा। ठीक है अब मैं खा सकती हूँ, है ना। और खा सकती हूँ मैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।